अम्मी अम्मी हाँ अम्मी, उठे, बाबा आए हैं। उनसे कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रही हूँ मैं। अम्मी उठ जाए ना, बाबा को लगेगा आपकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। क्या कहना क्या चाह रही हो कि मैं बहाने बना रही हूँ? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो आप कहती है ना कि बाबा ने आपको कभी समझा नहीं, कभी आपको तवज्जो नहीं दी, उसकी वजह से आप डिप्रेशन में रहती थी और बाबा को लगता था आप जानबूझकर बेड पे लेटी हुई हैं। बस इसलिए कह रही थी। आपको याद है ना माँ, हमने क्या कहा था कि जब भी बाबा घर पर आए आप उन्हें पूरे एतमाद और मजबूत दिखाई दें। मम्मी उठ जाए ना, आपको पता है रिदा ने बाबा को बातों में लगाया हुआ है। प्लीज अम्मी उठ जाए। जहाँ तुम राजी हो तुम गलत समझ रही हो माँ। एक्चुअली अम्मी ने बहुत मेहनत की है इस मकाम तक पहुंचने के लिए। तो मैं कौन सा फजूल खर्ची कर रही हूँ? क्या शादी के बाद मैं आपके साथ डिनर पे भी नहीं जा सकती? एक्चुअली मैं सारे पैसे तुम्हें दे चुका हूँ इसलिए। कावर आप कब तक अपनी सेविंग से खाते रहेंगे? और मसला क्या है, आप हर बात पे मुझे हक मेहर के पैसों का क्यों जताते हैं? तो मुझे बताओ आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लेकिन छोड़िए, बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज बताओ। आपको लगता है कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके साथ घूमू फिरू? नहीं माँ, ऐसा हरगिज नहीं है। आप उनको नहीं जानते लेकिन मैं उन्हें जानती हूँ। आप समझ नहीं रहे, वो अब आपको कंट्रोल करना चाह रही है। हाँ, मुझे सब समझ आ रहा है और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। देखो तुम कुछ ऐसा अम्मी के साथ रहोगी ना, उनको अच्छी तरह समझ जाओगी, जान जाओगी, बस थोड़ा सबर करो। कितना सबर करूं मैं? मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे भी कुछ अरमान हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं, कब पूरी होंगी? अरे हर ख्वाहिश पूरी होगी, आई प्रॉमिस। थोड़ा सब्र कर लो बस मेरी खातिर। अच्छा सुनो, हम बाहर सेलिब्रेट करने निकले हैं, कदम उठी कर, हम बस पहुंचने वाले। प्लीज